पूछ रहे थे है कि बजरंग बली ज्यादा मजबूत है कि सरस्वती माता की किसको पूजा करें कि तुरंत एग्जाम पास कर जाए, नौकरी लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर वैदिक काल में संस्कारों का महत्व बढ़ गया। कुल 16 प्रकार के संस्कार मनुस्मृति में, मनुस्मृति को स्मृतियों में, मनुस्मृति को भारतीय लॉ बुक कहा गया है, भारत का हिंदू विधि का शास्त्र बोला जाता है, लॉ बुक है। तो उसके अनुसार 16 प्रकार के संस्कार है। 16 प्रकार में 3 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पूर्व होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब लड़की विदा होके आती है तो पूरे समाज को खाना खिलाया जाता है। बिहार उत्तर प्रदेश में गौना होता है तो वो उसमें शुक्र की दृष्टि ना पड़े, वीर पुत्र हो, ताकतवर पुत्र हो, उस समय गर्भाधान संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार वीर पुत्र प्राप्ति के लिए 3रे या 4थे महीने में जब गर्भवती महिला होती है उसके दाहिने नासिका में वट वृक्ष के रस डालकर ऐसा समझा जाता है कि पुत्र ही प्राप्त, केवल जानने का, ट्राई नहीं करने का, ठीक है। तो दाहिने नासिका में ये रस डाला जाता है ताकि बेटा हो, पुत्र हो। सीमांतों ने आजकल इसे गोद भराई रस्म के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि जब 8वें महीने में गर्भ होता है तो डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाता, ऑपरेशन नहीं होता, या तो 7वें महीने में नहीं तो 9वें महीने में, क्योंकि उस समय पेट का ब्लड प्रेशर बहुत अधिक रहता है। इसीलिए 8वें महीने में खतरनाक जगह महिलाओं को जाने से रोका जाता है, नदी नहीं पार कर सकते, कुआं नहीं झांक सकते, क्योंकि डर जाएगी तो गर्भपात हो सकता है और बच्चा और मां दोनों मर सकते हैं। तो उस समय पहले पानी भरती थी महिलाएं, तो बहु लोग भूतों को पता नहीं रहता था कि ये गर्भवती है। तो इस संस्कार करने से पूरे समाज को पता चल जाता है कि वो औरत गर्भवती है। तो उसपे सारे लोग केयरिंग करते थे कि कहीं पानी लेते समय गिर ना जाए, इसलिए सीमांतों ने संस्कार। अब बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही घर के मुखिया या पिता द्वारा मधु चटाकर अपने जात में शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि मधु चटाना एक साइंटिफिक रीजन भी है। अगर बच्चों को जन्म लेते ही नमक यानी सोडियम चटा दिया जाए तो मर जाएगा। पहले लड़कियों को ऐसे ही मारा जाता था। अगर कोई मां और पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो और उस ब्लड ग्रुप में मां अपना दूध पिला देती थी तो बच्चा मर जाता था। लेकिन मधु जो होता है बेसाल्टिक होता है, बेस होता है, और उसके चटाने से वो रिएक्शन खत्म होता है। ये वैज्ञानिक कारण। निष्क्रमण, निष्क्रमण का मतलब पहली बार, जैसे पहले बच्चा होता था तो प्रसूति का घर होता था तो बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता था, उसमें धुआं जला देते ताकि बना रहे, कहीं बैक्टीरिया ना आए। पहली बार घर से बाहर निकलता था जिसको हम लोग आज के भाषा में छठिहार कहते हैं, 6 दिन पर। तो पहली बार उसे नया कपड़ा मिलता था, नहीं तो पहले पुराने कपड़ों में, तो इसे हम निष्क्रमण कहते हैं, यानी घर से बाहर निकलना, धूप दिखाया जाता था। उसके बाद नामकरण होता था। नामकरण जो है 100वें दिन तक, 3 महीना के अंदर घर के मुखिया, पहले लोग राजा के यहां जाता था या किसी ऋषि महर्षि या किसी ब्राह्मण या घर के मुखिया, उस बच्चे का नाम रखते थे, उसे नामकरण कहा जाता। अब अन्नप्राशन 3रे महीने से लेकर, कुछ लोग 3रे महीने, वास्तव में 6 महीने में जब पहली बार दांत आता है तो मामा के घर से कटोरी आता। खास करके ये नियम निश्चित कर दिया कि 8वें महीने में अगर दांत आया तो मामा जरूर लाएंगे, चांदी के कटोरी में दूध भात खिलाएंगे। शिकारियों के घर में या क्षत्रिय के घर में इन्हें मत, ये छोटे चिड़िया, चिड़िया के मांस खिलाया जाता था, जबकि दूध भात या दूध रोटी खिलाकर अन्नप्राशन किया जाता था। चूड़ाकर्म,
मुंडन कहा जाता है। गर्भ के सहित जब बच्चा जन्म लेता है तो बाल सहित आता है, तो उसे पहली बार बाल मुड़ाया जाता है और बाल मुड़ाने पे खर्च बहुत अधिक है, इसलिए इसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवा, इस फुट अंक में उसे बाल नहीं कटाया जाता जब तक उसका बाल, पहला बाल यानी गर्भ के बाद जो बाल उसे आया, मां के गर्भ से लेकर आया, उसे पहली बार जो ये काटा जाता था उसे चूड़ा कर्ण या मुंडन। अब आता है कर्ण वेदन। कर्ण वेदन संस्कार ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी तीनों जातियों में किया जाता था। बच्चों को कान में छेद कर धातु पहना दिया जाता था। ऐसा मान्यता है कि अगर कान को छेद कर धातु पहना दिया जाए तो बच्चा निरोग रहता है। ये प्रायः 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच में किया जाता है कर्ण वेदन संस्कार। अब आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ उन बच्चों को पहली बार स्कूल यानी उस समय गुरुकुल हुआ करता था भेजा जाता था, जिसमें ब्राह्मणों के बच्चों को 5 वर्ष, क्षत्रियों को 7 वर्ष और वैश्यों को 11 वर्ष। कई कई सूत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उन्हें विद्यारंभ किया जाता। उसके बाद उपनयन। उपनयन का मतलब होता है जनेऊ। उपनयन संस्कार जो होते हैं वो केवल 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों को उपनयन पहनना वर्जित था। उपनयन का मतलब एक अन्य आंख लगना। जो उपनयन करेगा वही यज्ञ कर सकता है, वही वेद पढ़ सकता है। यही कारण है कि उपनयन न पहनने के कारण सूत्रों को वेद पढ़ने से मना कर दिया गया। यहां तक कि रथकार, याद रहे, रथकार और वास्तुकार, ये दोनों शूद्र थे और इन दोनों को उपनयन पहनने का आजादी मिली। वेदारंभ, जो उपनयन पहन लिया है वही वेद पढ़ेगा। विद्या सब ग्रहण कर सकते हैं, याद रहे, वेद वही कर सकता है जो, क्योंकि वेद में आहुति डालनी पड़ती है, स्वाहा करना पड़ता है, तो वेदारंभ। वेदारंभ के बाद पहली बार जब दाढ़ी मूछ बनाता है बच्चा, जब दाढ़ी मूछ बनाता है तो अपने गुरु को एक गाय दान देता है और उसे गोदा केशांत बोलते हैं, ये मुंडन नहीं। उसके बाद जब उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, शिक्षा समाप्त कर लेता है, तो इसे अपने स्थिति के अनुसार, जितना वह धनी है उस अनुसार पूरे जीवन के अध्ययन का फल अपने गुरु को देता है, जिसके लिए वो अपने, कोई धनी है तो अधिक धन दिया, कोई कम है तो अपने हिसाब से गुरु को धन देता है और उसे समापवर्तन की आज के बाद पढ़ाई लिखाई बंद और उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। तो जैसे ही पढ़ाई पूरी करके आता है उसका घर में विवाह मंडप तैयार रहता है और वो विवाह करता है। ये अब तक ये जीवित अवस्था में, यानी 4 से लेकर और ये 15 तक ये सारे जीवित अवस्था है, लेकिन ये सबसे निकृष्ट माना जाता है। मृत्यु के बाद उसके सगे संबंधी करते हैं उसे अंत्येष्टि संस्कार। तो यह संस्कार व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में विवाहों के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक मानक सामाजिक मान्यता पर आधारित और दूसरा अमानक। विवाह कुल 8 प्रकार के बने हैं। पहला विवाह देव विवाह। देव विवाह में कन्या के पिता द्वारा उपयुक्त वर खोजकर दान दहेज देकर विवाह करना, जिसे हम आजकल अरेंज मैरिज कहते हैं। दूसरा, यज्ञ कराने वाले ऋषि को अपनी कन्या देकर, या ब्राह्मण को जो कन्या दे देता था उसे ऋषि विवाह कहते हैं। आपको बता दें, आप एक बुक पढ़िएगा, बिपिन चंद्रा की बुक है, उसमें बताया गया है
कि एक बंगाल का ब्राह्मण था, 80 वर्षीय ब्राह्मण, जिसकी सबसे छोटी कन्या का उम्र, पत्नी का उम्र 8 वर्ष। वो इसलिए कि गरीबी के मारे लोग ब्राह्मणों को दे देते थे ताकि कम से कम कन्या भरपेट भोजन तो कर लेगी, ब्राह्मणों को दान आता था वो खा सकती थी। तो इस प्रकार की सोच विकृतियां आ गई थी। तीसरा, आर्थ विवाह, लड़के के पिता को लड़का एक जोड़ी बैल देता था, एक गाय और एक बैल देकर लड़की प्राप्त करता था, उसे आर्थ विवाह कहते थे। प्रजापत विवाह, लड़के द्वारा लड़की के पिता से सीधे हाथ मांगना कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और आप मुझे दे दे, तो ये प्रजापत्य विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, अकेले में वर और कन्या एक दूसरे को पति पत्नी मानते, जिसको हम लोग आजकल लव मैरिज कहते हैं, बिना किसी को बताए आपस में निर्णय लेना, ये गंधर्व, इसको समाज में मान्यता नहीं। असुर विवाह, पिता द्वारा लड़की के बदले में पैसे लेना, जिसको बिहार में एक नाटक था विदेशिया, बेटी बेचवा जिसको बोलते हैं, माने लड़की को बेच दिए, अब कितना उम्र का पति है इससे कोई मतलब नहीं, तो ये असुर विवाह में आता है। राक्षस विवाह, लड़की को किडनैप करके उसे कुछ पिला करके विवाह करना, राक्षस विवाह। और पिशाच विवाह, लड़की के पहले शारीरिक संबंध बनाकर उससे विवाह करना, पिशाच विवाह। तो ये कुल 8 प्रकार के विवाह हैं। अब आता है बाद में इन विवाहों की श्रेणियां तो अलग अलग सामाजिक व्यवस्था से बदल गई, जिसे हम अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं। हम लोग ये समझ रहे थे अभी तक कि आखिर जब 4 वर्ण हैं, अभी तक 4 वर्ण हैं, तो ये जादव, महतो, कुर्मी, बढ़ई, लुहार, सब कहां से पैदा हुए? वास्तव में वैदिक काल में कर्म के आधार पर व्यवसाय चिन्ह कर दिया और एक दूसरे के व्यवसाय में हस्तक्षेप न करें, इसलिए कुछ न कुछ कई अलग अलग समूहों का जन्म लिया। इन समूहों को जन्म लेने के प्रति कहीं न कहीं ये विवाह सिस्टम भी जिम्मेदार है। आप यह समझिए कि बिहार में कहता है कि हम ब्राह्मण नहीं बाभन है, इट मींस भूमिहार है। व्हाट इज भूमिहार? कभी समझे कि भूमिहार कहां से आ गया, लाला जी लोग कहां से आ गया, क्या मतलब? तो होता क्या था कि उच्च कुल का मतलब हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य, उच्च कुल का पुरुष हो और निम्न या समान, इक्वल, यानी जिस कुल के ब्राह्मण कुल का पुरुष, ब्राह्मण कन्या, तो ये हुआ अनुलोम, अनुलोम विवाह। ब्राह्मण कुल का पुरुष और क्षत्रिय कुल की कन्या, ये कन्या। ये सारे अनुलोम का है, उच्च कुल का पुरुष यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों से ब्राह्मण विवाह कर ले तो उसके संतान ब्राह्मण ही कहलाएंगे। हाँ, अब क्षत्रिय में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य में वैश्य और शूद्र, और शूद्र में शूद्र, शूद्र कन्या शूद्र से विवाह करता है, ये अनुलोम में है। अब आते हैं प्रतिलोम विवाह, जस्ट उच्च कुल कन्या और निम्न कुल
पुरुष। यानी ब्राह्मण कन्या, ये कन्या क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से विवाह करे तो ये ब्राह्मण जाति में नहीं रखेंगे, इसका एक अन्य उपजाति का जन्म हो जाएगा। क्षत्रिय अपने यहां नहीं रखेगा क्योंकि ब्राह्मण कन्या आई है तो वो तो पूजनीय होगी, तो इसलिए एक नई जाति का जन्म होगा। से क्षत्रिय कन्या और वैश्य और शूद्र से विवाह पुरुष, या वैश्य कन्या शूद्र से विवाह। कहा जाता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में ब्राह्मण कन्या और वैश्य पुरुष से जन्म हुआ है कायस्थ का, जिसे लाला जी कहते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा जाता है कि ब्राह्मण कन्या और शूद्र पुरुष इससे चांडाल जाति का होता है। वो चांडाल वो थे जो गांव के दक्षिण में रहते थे और जानवरों के कपाल निकालते थे, जिससे स्पर्श करना भी ये खराब माना जाता था। तो इस तरीका से कई उपजातियों का जन्म हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही कर्म के आधार पर जाति अपना व्यवसाय चुन लिए, लोहार सुनार बढ़ई धोबी ये सारे, और ये सारे लोग अलग अलग कई उपजातियों में बट गए, उपजाति से उपजाति, उपजाति से कई उपजाति। इसके बाद गोत्र व्यवस्था चालू हो गई। गोत्र व्यवस्था माना जाता है कि कुल 16 गोत्र हैं। इन गोत्रों में केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों को गोत्र मिला है, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ही गोत्र बताते हैं, बाकी जितने वैश्य और शूद्र को एक ही गोत्र दिया गया है, कश्यप गोत्र। आपको बता दे कि ये ऋषियों के नाम पर है, कोई भारद्वाज है, कोई अत्री है, कोई गौतम है, तो इस तरह से 16 गोत्रों में आफ्टर रामायण इनमें अलग अलग 3 और 13 का विभाजन किया गया। 3 गोत्र गर्ग गौतम और शांडिल्य गोत्रों को उच्च श्रेणी में रखा गया और इन्हें अन्य श्रेणी। तो ये गोत्र विभाजन वैवाहिक परंपराओं में रखा गया और सब गोत्र यानी एक ही गोत्र के विवाह वर्जित कर दिया गया। आज भी अगर उच्च कुल ब्राह्मण और क्षत्रियों में माता या पिता के गोत्र में विवाह नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि वो लोग भाई बहन। साइंटिफिक इसका अलग स्वरूप है। साइंटिफिक इसलिए है कि ये अपने नस्ल को बचाने के लिए गोत्र सिस्टम लाए, और एक नस्ल एक ही नस्ल में रहने से जो आपका होता है जिसको कहते हैं फर्टिलिटी डिस्टॉर्डर होता है, क्रोमोजोम संख्या घट बढ़ सकती है, इस कारण से क्रॉस एक गोत्र से दूसरे गोत्र की शादी हो तो हो सकता है ब्लड जो ग्रुप्स डिफरेंट हो जाएंगे, और ये व्यवस्था इन लोगों की वैज्ञानिक रही होगी। तो इस तरीके से सामाजिक संगठन काफी मजबूत किया गया। अब उत्तर वैदिक काल के देवताओं में भी परिवर्तन आ गया, तो देवताओं के बारे में हम बात करेंगे। आज 1 घंटे का क्लास क्लास देखो, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में यही सबसे बड़ा अंतर आया। ऋग वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र थे, अब सबसे महत्वपूर्ण हो गए प्रजापति।
प्रजापति जिसको आप ब्रह्मा कहते हैं सबसे, यानी त्रिदेवता का उल्लेख सर्वश्रेष्ठ, इंद्र केवल देवताओं के राजा थे, इंद्र केवल देवताओं के राजा, त्रिदेवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन महत्वपूर्ण, ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माता, विष्णु को सृष्टि के पालक और महेश यानी शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में बताया गया। पंच देवताओं का उल्लेख मिला, प्रजापत्य, रुद्र, दुर्गा, गणेश और सूर्य, ये पंच देवताओं का उल्लेख मिलने लगा। मूर्ति पूजा का संकेत मिलने लगा, यज्ञ की महिमा बढ़ गई। लोग अगर यज्ञ नहीं करते थे या कोई कर्मकांड नहीं करते थे, उन्हें जात से बाहर कर दिया। यही कारण है कि 600 ईस्वी में यज्ञ इतने ज्यादा ऊपर हो गए कि धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, और बौद्ध धर्म जैन धर्म आने का मेन पीछे कारण यही रहा, क्योंकि कर्मकांड बढ़ गया, लोगों के जीना दुभर हो गया कर्मकांड। फिर कहता है कि आश्रम व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था, वैवाहिक परंपरागत सिस्टम बहुत बढ़ गए। उस समय दर्शन की विचारधाराएं काफी पॉपुलर हो गई और षट दर्शन यानी 6 प्रकार के दर्शन बनाए गए, 6 प्रकार के। पहला सांख्य दर्शन, आपको बता दें कि जैनिज्म सांख्य दर्शन से ही प्रभावित है। इसके जो प्रणेता थे वह कपिल मुनि। दूसरा आता है योग दर्शन, पतंजलि, पंतजलि थे योग दर्शन, योग सूत्र का रचना इन्होंने किया। न्याय दर्शन ये गौतम ऋषि, गौतम बुद्ध नहीं, गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के थे बद्राय। और छठा दर्शन वैशेषिक, आपको बता दें कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम की खोज की, कणाद मुनि, अणु। अब बता दें कि एक और दर्शन था जिसे हमारे धर्म शास्त्रों में मान्यता नहीं दिया, जिसको चार्वाक दर्शन कहते हैं, चार्वाक द्वारा दिया गया, यथा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जितना दिन जियो सुख से जियो, कर्जा कार के घी पियो, मर जाने के बाद जिसे वसूलना है वसूलते रहे। वास्तव में इसी पर हम लोग जी रहे हैं। तुम्हारे पास आज पैसा हो जाए तो क्या करोगे? खूब बढ़िया आलिशान घर ले लो, बैंक बैलेंस कपड़ा ले लो, सुख से जीने के, राइट? ये सारे चार्वाक दर्शन। लेकिन किससे भौतिकता बढ़ जाएगी, आध्यात्मिकता समाप्त हो जाएगी, इस कारण से इनकी 6 दर्शनों की मान्यता। 6 वेदांग बताए, वेदांग, वेदांग का मतलब होता है वेद के अंग। इसमें छंद, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण और निरुक्त। वास्तव में तुम्हें बता दें कि
ये कुछ लोगों ने वेद के अंग बनाए। छंद को पैर पाद या पैर, इसको कल्प को हाथ वगैरह, शिक्षा को नासिका, ज्योतिष को आंख, व्याकरण को मुख और निरुक्त को कान। ये है क्या? देखो, ये सेंस ऑर्गन्स इसलिए बताए गए कि इसका इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। पहले श्रुति होता था, श्रुति कहता है सुन के। अब सुनने में क्या होता है कि यदि आप कहो कि दिल्ली में चार आदमी मर गए, ट्रेन का टक्कर हुआ, चार आदमी मर गए, दूसरा बोला पता है ट्रेन का टक्कर हुआ, कई मर गए, अब कई सैकड़ों हो जाते हैं, तो इस तरीके से एक मुंह से दूसरे मुंह जाते जाते उतना सही नहीं जाता है। इसलिए हमारे रचनाकार जो थे मुनि ऋषि, उन लोगों ने छंद में यानी दोहों में बांध दिया। दीन दयाल विरद संभारी तो हरहु नाथ मन संकट भारी। अगर आप गाना गाते हो तो वो एक राइमिंग सॉन्ग में रहता है, तो अगला टोक देता है कि तुम गलत गा रहे हो, इसमें ये शब्द है। तो शब्द सुंदर, खूबसूरत, सीता एक सुंदर लड़की थी, सीता एक खूबसूरत लड़की थी, एक सीता एक अच्छी लड़की थी, अब कब खूबसूरत अच्छाई में बदल गया, इसलिए छंद की बहुत जरूरी है, यानी पैर कहीं भी जा सकता है। दूसरा, कल्प ये तीन सूत्रों में बटे थे, कल्प सूत्र गृह सूत्र, ताकि यह तरीके बताते। जब से मनुष्य का हाथ हुआ तब से पृथ्वी को नोच रहा है, निर्माण कर रहा है, हाथ की बहुत बड़ी संकल्पना। तीसरा, बिना शिक्षा के आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, यानी सामने रखा है सुगंधित है कि बदबूदार है उसका स्मेल से हम पहचानते हैं। तो नासिका का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में, सांस को मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन सेंस ऑर्गन्स हमारा नाक। ज्योतिष देखो, भारतीय प्राचीन संस्कृतियों में ज्योतिष का बहुत ज्यादा महत्व है, और इसका दो स्वरूप है, एक गणित और दूसरा फलित। फलित जो होता है वो सोच के लोग एक प्रकार का प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, लेकिन जो गणित है वो एकदम एक्यूरेसी में है। आप देखो नासा में सूर्य ग्रहण जब बताता है, पंडित जी के पत्रा में वही बताता है। तो ये ज्योतिष जो होता है वो आगे की दृष्टि को समझाता है कि ग्रहों की चाल ऐसे रहेगी तो ऐसी संभावना होगी। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण जो होता है वो एक शब्द को सही रूप में कि कौन सा काल का है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसको बताता है। अब संस्कृत के एक श्लोक को सूत्र में कि कर्णेन द्वितीय, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्म तीसरा में आता है। तो उसी तरीके से ज्योतिष का ज्ञान बहुत ज्यादा होना, अगर वेद पढ़ना है तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। अब निरुक्त, निरुक्त यास्क मुनि द्वारा बताया गया कि किसी भी चीज का तार्किक रूप होना चाहिए। आप अगर सुनते हैं तो इज इट राइट और रॉन्ग, तो ये डिसीजन आपको लेना है कि सही बोल रहा है। अब बिल्ली का आवाज सुना के कहते हैं शेर बोल रहा है, विश्वास नहीं कीजिएगा। ये सारे चीज आपके अपने कानों पे भरोसा करना, तो ये सेंस ऑर्गन से जुड़े गए हैं। देवताओं में पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि मपूषण जो पहले जानवरों के देवता है, अब सूत्रों के देवता हो गए। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृति में आर्थिक जीवन काफी बदल गया। आर्थिक जीवन चूंकि कर्मकांड से जुड़ा हुआ था, हर लोग का अपना कर्तव्य था, ब्राह्मण कसाई का काम नहीं कर सकते हैं, लुहार लुहार का ही काम करेगा, तो ये व्यवसाय भी व्यक्ति के और जाति के अनुसार बांट दिए गए। इससे एक बेहतर
फायदा ये हुआ जो आजकल के जिम्मे में कि भाई एमबीए का क्रेज है तो सब एमबीए कर लिए, इंजीनियरिंग का क्रेज है सब इंजीनियरिंग कर लिए। इससे क्या होता है कि वो जो अच्छा व्यवसाय होता है उसमें अधिक लोगों के जाने से व्यवसाय गिर जाता है। उस समय लुहार का कार्य लुहार करता था, सुनार का कार्य, इससे क्या होता था कि बेरोजगारी नहीं आती, कोई किसी के व्यवसाय को हस्तक्षेप नहीं करता था और इसका फायदा समाज को मिलता था। और दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि सुनार का काम करने वाले करोड़पति नहीं है, अरबपति है, तो लुहार का काम करने वाले कितना टाटा कोरस बेच दिया, तो ऐसा नहीं था। सारे काम एक खास समूह में बांट दिया गया था ताकि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया जा सकते और समाज अच्छा से चल सके। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ अच्छाइयां थी तो बहुत सारी बुराइयां। अब गरीब लोगों को, जो गरीब थे, कमजोर वर्ग के थे, उनको 16 संस्कारों में बांट दिया जाता था। हर संस्कार में अपने सगे संबंधी को खिलाओ, ब्राह्मण भोज कराओ। अब बेचारा एक गरीब आदमी, नसबंदी का व्यवस्था नहीं, 10-10 बच्चे हो गए और 10 का 16-16 कराते कराते वो खुद 16 संस्कार में चल जाता। तो ये एक सती व्यवस्था, सती व्यवस्था इतना गड़बड़ था कि लोगों को जिंदा जला देना, देवताओं के पूजन में सब लोग अपने अपने आदमी आप कंफ्यूज रहते थे, है कि बजरंग बली ज्यादा मजबूत है कि सरस्वती माता की, किसको पूजा करें कि तुरंत एग्जाम पास कर जाए, नौकरी लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह हमारी एक बनाई गई परंपरा है और उत्तर वैदिक काल में यह परंपरा काफी उत्साह से आगे बढ़ी। यह भी कराए जाते थे ताकि वातावरण शुद्ध हो, लोगों के प्रति जीने का तरीका बदला जाता था, आध्यात्मिक रखा जाता था ताकि उनके अंदर घृणा, झूठ, मक्कारी न आए, इसलिए धर्मों को का पाप का भय दिखाया जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्लास हम और जानेंगे।